हाय, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ के बारे में, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू टुक आउट योर प्रेशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल टू वॉच माई वीडियो। और उस पर आपके जो रिव्यूज़ मेरे को मिले, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड, कि बहुत फ्लो में वीडियो चली गई, पता नहीं लगा, एंड यू नेल्ड इट। बहुत सही बोला है, एब्सोल्युटली जो चीज़ है, कई लोग मेरी वीडियो से कनेक्ट हुए और उनको अच्छा लगा, वो कह रहे तूने हमारी मन की बात बोल दी। बट फीडबैक, और भी तरीके के फीडबैक मिले, कि जैसे कि पहला फीडबैक ये था कि मैं एक्टिव नहीं हूँ एंड आई एम लाइक वेरी लो। बट मैंने फिर रिप्लाई किया कि दिस इज हाउ आई एम, मैं ये मेरा फुल एक्टिव मोड है। मतलब मैं ओ वाओ इस तरीके वाला बंदा हुई नहीं ना, मेरे से सारी चीजें होती हैं वेरी नॉर्मल, वेरी काम, आई मीन वेरी नॉर्मल। और मेरे को ये ज्यादा शोशाबाजी पसंद नहीं है, मतलब ज्यादा बिल्कुल एक्साइटेड होके दिखाना, ये करना वो करना, प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। जैसा हूँ वैसा हूँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिर मेरे को फीडबैक एक ये मिला कि वीडियो बहुत लॉन्ग थी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ जी, आई एक्सेप्ट लॉन्ग थी वीडियो, बट वो जो कनेक्शन था मैंने उसको, मतलब आई ट्राई टू ब्रेक द वीडियो इंटू फोर पार्ट्स, बट वो कनेक्शन भी टूट जाता है, इसलिए इन अ गो एक वीडियो मैंने डाल दी। बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड थैंक यू फॉर ऑल योर फीडबैक्स एंड सजेशंस। बाकी ये था कि वीडियोज, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ वीडियो, योर ट्यूबलाइट्स वगैरह नहीं आनी चाहिए, एंड दिस टाइम आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट ऑलरेडी। कि हाँ यार, ये सब चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें, बट ऐसा मेरा कोई, ऐसा मैंने बताया कि ऐसा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव था नहीं, इट वॉज जस्ट वेरी कैजुअल। एंड लेट मी टेल यू, मैंने रात को डिसाइड किया था अराउंड 10 बजे, कोई कॉन्टेंट नहीं था, आई वॉज आइडली सेटिंग, और सडनली मन में कुछ थाट्स आते रहते हैं जो कि चलते रहते हैं, इट्स गुड, चलने भी चाहिए भाई थाट्स। रैंडमली थाट आया, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कुछ नहीं आया, कुछ लिखा नहीं मैंने, आई जस्ट रिकॉर्डेड द वीडियो इन अ गो। ओवरऑल मैंने जो काम किया वीडियो पे अराउंड 2.5 आवर्स किया, फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टिल फाइनल एडिटिंग। मैं तो बस जनरल टॉपिक्स पे जो मुझे लगते हैं, व्हाट आई फील लाइक, आई विल जस्ट बी डिस्कसिंग ऑन दोज टॉपिक्स। तो आज ऐसे एक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में सभी लोग, मतलब सभी एज एन मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में सफर करते हैं इस चीज को लेकर भी। और यार यहाँ पे मैं बता दूं, मैं कोई ज्ञान व्यान नहीं बांट रहा, ना आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ऑनेस्टली मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ अपनी, अगर मैं बात अपनी बताऊं आज की, मैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को भड़काने आया हूँ, आप लोगों में आग लगाने आया, ताकि ना आप जो गलत हो रहा है ना उसके अगेंस्ट आप बोल सकें। यार ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब, कि मुझे जॉब करनी है, मेरे को अपनी फैमिली को चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो मैं गलत काम को भी सही तरीके से, मतलब उसको एक्सेप्ट करके मैं गलत काम को भी आगे मूव ऑन करता रहूं, करती रहूं, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत हैं यार, सब चीज मान ली। बट इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तुमसे ना हो पाएगा। जिस दिन तुमने अपने आप को इज्जत देना सीख लिया, अब अपने आप में होता क्या है, हम तीन चीजों से बनते हैं, वन इज बॉडी, सेकंड इज माइंड, एंड थर्ड इज सोल। तो फर्स्ट थिंग पे फोकस करो यार, और सेकंड चीज पे, थर्ड का तो यार वो तो तुम्हारे कर्म जो है, तुम कितने स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस नहीं बोलूंगा बट स्पिरिचुअल कितने तुम हो, सब पे डिपेंड करता है। बट माइंड और बॉडी को कंट्रोल में रखना ना, वो हमारे कंट्रोल में है। अक्सर आपने सुना होगा, चलिए शुरू करते हैं किसी वीडियो से पहले, चलिए शुरू करते हैं, बट मैं यहाँ पे बोलूँ चलिए खत्म करते हैं। जो ये चीजें हो रही है ना यार, इट इज हाई टाइम टू एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ट्रस्ट मी यार, एक बार खत्म करके देखो, सच में बहुत मजा आएगा। लाइक आई डिड, कई लोगों को लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा, मेरे को बैकअप फैमिली का मिला, एक्सेप्ट की भाई था, मेरे पास कमी नहीं हुई, बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों से पैसे मांग मांग के मैंने अपनी लाइफ चलाई। इट्स बीन आई थिंक 7-8 ईयर्स मे बी, कि जो भी मैं करता हूँ आई अर्न एंड आई डू एंड आई एंजॉय दैट थिंग। घर वालों से कभी कभी चलता है, घर वाले भी मेरे ही हैं यार, तो पैसा भी जो है अपने घर वालों का है, मतलब मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा मेरा है, मेरी कोई इंटेंशन पैसों को लेकर है नहीं। द बेस्ट मनी इज टू अर्न योर सेल्फ एंड देन स्पेंड इट। बात तो सही है। सो चलिए इस चीज को ना सच में खत्म करने का टाइम आ गया, एक बार स्टैंड लेके देख लो यार, एक बार अगर आप स्टैंड ले लोगे ना, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आप बहुत सेटिस्फाइड होगे, आपको उस दिन लगेगा यार आई एम व्हाट आई एम, मैंने जो किया मैंने बहुत अच्छा किया, दिस इज व्हाट आई एम, मैं ऐसा ही क्यों नहीं बन सकता है, मैं ऐसे ही क्यों नहीं बन सकता, या पहले क्यों नहीं था मैं ऐसा इंसान। आप सब मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो एम्प्लॉयज हैं, जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कंपनी में। अब काम आपके लिए सबसे बड़ी पूजा होती है, आई एक्सेप्ट दैट, हर चीज को है ना बड़े डिवोशन के साथ करना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे अगर आप कुछ खा भी रहे हो ना, तो आप खाने को
उस कंसंट्रेशन से खाओ कि आप उस टाइम में कुछ और नहीं कर रहे हो। बट मैं खुद ये चीज प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं खाते टाइम वीडियो देखता हूँ, मैं खाते टाइम मूवी देखता हूँ। इट इज अप टू यू, बट एटलीस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, आई नो ऑल ऑफ यू डू योर वर्क विद डेडिकेशन, बट डेडिकेशन से वर्क करना डजंट मीन कि यू विल पुट योर लाइफ एट स्टेक यार। आप ऐसा नहीं कर सकते अपने साथ यार, इट इज योर लाइफ फर्स्ट थिंग। हाँ, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि काम पूजा है, राइट, बट ऐसी पूजा का फायदा क्या जिससे आपको हार्म हो रहा है, आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है, आपके माइंड को हार्म हो रहा है, यू आर मेंटली डिस्टर्ब, आप कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं, करना बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लाइक आप वीकेंड पे जब छुट्टी मिलती है आप अपने साथ अपनी फैमिली के साथ आप बाहर जाना शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, या आप कुछ और भी साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हैं जॉब के साथ साथ, या आप हॉबीज जो जो है आपकी वो आप करना चाहते हैं, लाइक कुकिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, जो चीजें करना चाहते हैं, बट आपकी पूरे हफ्ते की थकावट इतनी होती है कि यार आपको कुछ करने नहीं देती है वो सारी चीजें, बुरा लगता है भाई। ऑल्दो मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ, बट मेरा जो पर्पस है आज की, मैं जॉब तो कुछ करता नहीं हूँ, पर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों चीजें बता रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे मेरे लोग हैं, कजन्स भी हैं जो कि जॉब करते हैं ना, रियली फील वेरी बैड फॉर देम कि यार वो है ना, आई विल से समथिंग नथिंग टू बी ऑफेंडेड बिकॉज जो सच्चाई है मैं क्लियर कट बात करूंगा, कुत्तों की तरह जॉब करते हैं, लाइक लगे पड़े हैं, रगड़े जा रहे हैं, बट ना बोलता हूँ यार कुछ कर लो, कोई कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, प्राइवेट फॉर्म है ये, यार प्राइवेट फॉर्म में मैंने भी काम किया है, और सिर्फ छोटी मोटी में नहीं, मैंने अच्छी अच्छी जगह पे काम किया है, और मैंने वहां पे भी लोगों को देखा है जो बिल्कुल ऐसे ना, इफ यू नो यू द कंपनीज डोंट इवन थ्रो प्रॉपर पीनट्स टू देम, वो छिलके फेंकती है बस मूंगफली के, और लोग बस उन छिलकों को सैलरी, जो इतना कंपनी इतना पैसा अर्न कर रही है, इतना प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े ले रही है, एंड व्हाट दे आर पेइंग यू इज ओनली दिस मच, राइट। सो आपको ना जितना काम आपको दिया जाता है, जितना काम आपको जॉब ऑफर के टाइम में बताया जाता है, उससे आपको हटके काम करना पड़ता है, और कोई इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड ना कोई नहीं लेता यार, क्योंकि सबको डर लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग बड़ा करना ही नहीं चाहते यार, फट्टू हैं, डरे पड़े हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट वन ऑफ माई कजन ब्रदर हु टुक द स्टैंड, और उसने मेरे को सारी चीज बताई कि भैया ऐसे प्रॉब्लम है ये है, और गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो, मैंने बोला टेक अ स्टैंड, क्या होगा, विल सी विल मैनेज, एंड ही टुक दैट स्टेप, एंड आई रियली अप्रिशिएट His braveness, क्योंकि ब्रेवनेस ना उसी को बोलते हैं अगर आप गलत चीज को रोकते हैं, अगर आप गलत चीज को देख के इग्नोर कर रहे हैं, उसको बस चल छोड़ना यार मजबूरी है, मजबूरी समझ रहे हैं ना, तो आपसे गलत इंसान कोई दुनिया में नहीं है यार, आप बहुत वर्स्ट इंसान हो। आइडियली जो वर्किंग टाइम होता है नंबर ऑफ आवर्स इंडिया में तो कोई इसकी लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है, या तो अगर एम्प्लॉयर का मन करेगा तो वो आपसे 24 में 24 घंटे काम करवाएगा और सैलरी के नाम पे बोलेगा फ्री में ही काम कर दो मेरा यार, बट मेरे हिसाब से ना मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होने चाहिए, और इसके अलावा टाइमिंग जो है वो फिक्स होनी चाहिए, 7-7.5 आवर्स ऑफ वर्क टाइम प्लस 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ऑफ लंच ब्रेक, एंड इसके अलावा कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोग ही देख लीजिए, अब सब लोग तो एमएनसी में काम करते नहीं कि जहाँ पे पॉलिसीज वेल डिफाइंड होती है, आप लोग काम करते हैं किसी फर्म में, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, या कोई किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब कर रहा है, कोई एडमिन की जॉब कर रहा है, कोई आपका मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई जॉब कर रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारी बड़ी कंपनी है यार, छोटी कंपनीज भी दिल्ली में बहुत है, विच आर एब्सोल्युटली डूइंग गुड, बट उधर क्या होता था ना पॉलिसीज नहीं होती है, अगर कोई यहाँ पे एमबीए एचआर का होगा उसे पता होगा कि क्या क्या पॉलिसीज डिफाइंड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन मिस आउट कर जाती है। सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, आप ना वहाँ पे सबसे पहले एक चीज पूछे कि आपको सैलरी स्लिप मिलेगी टाइम पे। इवन आई वॉज फायर्ड, आई वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम अ जॉब जो की एक साउथ कोरियन कंपनी थी, और उससे मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया था बिकॉज आई वॉज आस्किंग फॉर माई सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप्स आर माई राइट यार, वो मेरी राइट है, अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैं किस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है, सिर्फ पैसा मिलने से फायदा नहीं है, पैसा कमाने के हजार तरीके होते हैं, बट यू शुड हैव जस्ट जस्टिफिकेशन बिकॉज इट हेल्प्स यू इन द फ्यूचर, सैलरी स्लिप से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हो, आपको ये नहीं है कि कोई आपसे बोल देगा अकाउंट में पैसा, यू शुड हैव योर सैलरी स्लिप, आपकी राइट है, अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, कोई आपका एम्प्लॉयर आपको घुमा फिरा रहा है इस चीज में कि छोड़ो ना सैलरी स्लिप का क्या करना है, किस लिए चाहिए, बाद में देखा जाएगा, सो जस्ट लीव दैट कंपनी, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो यार, कंप्लेन करने से डर किस चीज का लगता है, इफ यू आर राइट, सी फॉलो वन थिंग इन योर लाइफ, इफ यू आर राइट देन मेस विद द अदर पर्सन और उसको उसकी औकात दिखा दो,
खत्म कर दो उस बंदे को, बट इफ यू आर रॉन्ग तो इतनी हिम्मत रखो कि पब्लिकली आप चाटा खा लो किसी का. सो दिस इज द रूल विच आई फॉलो एंड आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू फॉलो दिस रूल. इफ यू वॉन्ट टू बी यू नो एक स्टैटिक का, अगर आपको अपनी लाइफ में रहना है, बैलेंस रहना है, तो ये चीज करनी पड़ेगी. डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. अब इसके अलावा आते हैं सेकंड जो इशू फेस करते हैं लोग, कि कुछ पार्ट जो सैलरी का है वो उनके अकाउंट में आता है, कुछ पार्ट जो उनकी सैलरी का है वो कैश में आता है. वाई इन कैश? इट इज इलीगल, इट इज एब्सोल्युटली इलीगल, क्योंकि एम्प्लॉयर तो गलत चीज कर रहा है बट आप भी करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी करप्टेड हो, क्योंकि वो ब्लैक मनी है, यू नो यू हैव नो रिकॉर्ड फॉर दैट, आप उस पर टैक्स बचा रहे हो अपना. सो ये चीज भी बहुत गलत है. और लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं आवाज उठाऊंगा या आवाज उठाऊंगी तो मे बी मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा या मेरी सैलरी रोक दी जाएगी. यार तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या? यू आर नॉट केपेबल. या तो आप कहीं पे आप बस जॉब कर रहे हो, आपने सोच लिया कि भाई 4-5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे और सरकारी नौकरी रिटायरमेंट लेके मैं यहाँ से जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना यार. आपकी बल्कि जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होता है, आई वुड से 3-4 ईयर्स, वहां पे आपको 1 साल से 1.25 साल के बीच में जॉब बदलते रहनी चाहिए. मैक्सिमम 1.5 साल किसी कंपनी में काम कर लो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पीरियड होता है ग्रोथ के लिए. आपको ग्रोथ एक बार अच्छी मिल जाए ना, 5-6 साल में आप एक लेवल पे पहुंच जाएं इन टर्म्स ऑफ योर प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ योर डेजिग्नेशन एंड इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी विच यू आर गेटिंग. क्योंकि अगर आप पहले एक कंपनी में 4-5 साल काम कर लेते हो तो उसके बाद आपकी ग्रोथ होती है वो ना कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि आप एक कंपनी आपको कितना बढ़ा के दे देगी सैलरी यार, हर साल आपको 5-10% 20% मिल जाएगा. बट अगर आप जॉब स्विच करोगे ना, यू कैन इजीली गेट 30-40% ऑफ हाइक, जो कि अगर आप जॉब सेम कंपनी में कर रहे हैं तो इतना आपको हाइक नहीं मिलता है. और इसके साथ साथ एक कंपनी में रहते हैं आपको जो प्रमोशन होती है, डेजिग्नेशन, वो भी आपके जल्दी जल्दी मतलब नहीं बढ़ता है, वो भी आपकी ग्रोथ रोक दी जाती है. सो इट इज गुड टाइम कि आप 1-1.5 साल मैक्सिमम 1.5 साल जो है जैसे बताया मैंने आप काम करें और जॉब छोड़ दें. और कई बार क्या होता है आपके ऊपर इतना वर्क प्रेशर डाल दिया जाता है और आपको ना ऑर्डर्स होते हैं कि ऑफिस आवर्स ये हैं, इसके बाद आपको नहीं बैठना और आप चले जाओ, बट यू नो समवेयर डीप इनसाइड कि यार इतना काम है, अगर नहीं किया तो मेरी वॉट लगनी है कल. सो यू डू द वर्क. अब वो आप कंफ्यूज रहते हो बिकॉज आपको तो बोल दिया कि आप ऑफिस से निकल जाओ बट आपको तो काम करना है ना यार. सो सर इस चीज के अगेंस्ट ना, इस चीज के लिए आप बोलो, आप ही स्टैंड ले सकते हो अपना, यार मैं आपको बस एक आग लगा सकता हूँ, मैं आपको बस बता सकता हूँ, बट स्टैंड आप ही को लेना है यार इस चीज का. इट इज यू हैव टू स्टैंड अप. तो प्लीज कुछ करो और डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है. अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी की कंप्लेंट करनी है, देयर मेनी वेज. अगर ये सब चीजें जैसे कि सैलरी की हो गई, आपका कैश में मिल रही है, सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, लेट ऑफिसेस हैं आपके, 10-10, 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम कराए जा रहे हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट होता है, वहां कंप्लेंट करो. ट्विटर पे आप डालो, ट्विटर पे आप टैग करो यार, कंप्लेंट करो लीगली, पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल कर दो यार, कुछ नहीं होगा उससे. आप मुझे बता दो यार, अगर आपके लड़ना बस की नहीं है, जस्ट कम एंड टेल मी कि ये प्रॉब्लम है. अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके बिहाफ पे मैं स्टैंड लूंगा, क्योंकि भाई मैं वो फट्टू बंदा हूं ही नहीं, खुद मेरे को निकाला गया यार, मैंने अपनी जॉब से लात ही मारी यार, और मैंने मजे से अपनी लाइफ जी है, ये नहीं कि जॉब के चक्कर में हो मुझे ये करना है. नहीं नहीं यार, अगर आप पैसा कमा रहे हो ना तो आप टाइम रखो उतना कि उस पैसे को उड़ा सको. ये नहीं है बस पैसा इकट्ठा करे जा रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो, आने जनरेशन का सोच रहे हो, बच्चों, अरे भाई अभी तो शादी नहीं हुई तो आप सोच किस लिए रहे हो इतना, जब होगी तब सोचना ना. आजकल तो बंदे का पता ही नहीं, आज बंदा है कल बंदा नहीं है, क्या कर लोगे यार पैसा बचा गया, बाद में तो पैसे कोई और यूज करेगा ना. अपने ऊपर पैसा खर्च करो, अपने फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करो, कुछ अच्छी जगह घूमने जाओ, अपने आप को कुछ अच्छी पीस दो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ. तो इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ. कई लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि इसमें मैंने क्या ही डिस्कस किया, मैं जो डिस्कस किया यार ये सब आपके पॉइंट्स हैं यार. बहुत मैंने देखा है किस तरीके का टॉर्चर होता है प्राइवेट कंपनीज में, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये टॉर्चर होता है, बट कुछ करने का टाइम आ गया, अपना चीजें खत्म करने का टाइम आ गया यार. इट इज रियली वेरी हाई टाइम नाउ, खत्म करो लाइफ में, मूव ऑन करो यार. इस रिलेशन को जो कि टॉक्सिक है, इसको क्यों इसके साथ जुड़ के चलते रहना है? पैसे मिल रहे, पैसे मिल जाएंगे आगे, पैसे कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं. थैंक यू, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम.